काजल दे दी। आज किस तरह खरीदारी हम लोग कर रहे हैं? यही छठ पूजा का व्रत है, हम लोग यही खरीदारी करेंगे, पूजा पाठ करेंगे, कल शाम को उतरेंगे गंगा जी में, अर्घ उर्घ होगा, फिर कल सुबह में देखें, कल सुबह में अर्घ होगा, फिर कल सोमवार अतवार से ख़त्म हो जाए सोमवार तक से। पहले से अर्घ पे क्या महंगाई में क्या है? बहुत पहले भी उतना ही था, अब भी उतना ही है, कोई फर्क नहीं है पहले से। हाँ, सब चीज़ महंगा है। हाँ, पूजा करना है हम लोग को। पूजा कैसे करते हैं आप लोग? हम लोग 3 दिन भूखा भूख कर रहते हैं व्रत, कल से शुरुआत है व्रत, कल से शुरुआत है, आज है दूसरा दिन, कल हो जाएगा तीसरा दिन। अरे 2 दिन हम लोग खा पी के रहते हैं, शाम को कल पूरा नीरा जल रहते हैं, पूरा सोमवार को पानी पियेंगे सुबह में। हाँ, आज खरीदारी हो गई। दिनेश दिनेश जी, किस तरह का बाजार में मार्केट में भीड़ है? मार्केट में भीड़ नहीं है, एकदम भीड़ नहीं है, बाजार बहुत तेज है, बहुत से तेज है, इस टाइम माल मिल नहीं रहा है, इसलिए बाजार तेज है और ग्राहक ही नहीं है। और पैसा सब फंस रहा है? हाँ, पूंजी बार सब फंस जा रहा है। तो छठ पूजा भी आ गया है? छठ पूजा है, इसलिए तो हम लोग सौदा लिया है, यहाँ ठीक से दुकान भी हम लोग लगा नहीं पा रहे, कल हटा बनवाया था, कल सब हम लोग हटा दिए थे, गरीब आदमी को परेशान किया जा रहा है। हाँ, क्या करना चाहते हैं? बस यही माल बीज जाए और क्या। तो बाजार नहीं है लेकिन सबका रेट हाई है? सबका रेट हाई है। तो गन्ना वन्ना कितने का बिक रहा है? अरे गन्ना कहाँ बिक रहा है, 20 रुपये 25 रुपये बिक रहा है, 20-25 बिक रहा है, पहले कहाँ 40-50 बिकता रहा, अब 20-25 बिक रहा है, यहाँ पे सस्ता बिक रहा है, वहाँ पे बहुत हाई मार्केट है। सस्ता होने के बावजूद भी नहीं? नहीं नहीं है। हरिया में पहले केला तोल के नहीं आता रहा, अब केला तोल के आ रहा है, 3200 रुपया कुंटल आ रहा है। फल फूल का भी रेट? ये देखिए नारियल, नारियल भी तोल के आ रहा है, अब बिक्री यहाँ है नहीं, पैसा फंसा पड़ा है, पैसा फंसा पड़ा है, बहुत महंगाई है।